क्या कह सकते देखिए जीवन आपका है आप क्या करना चाह रहे हैं हम हम क्या कह सकते हैं हम सिर्फ ये बतला सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है आगे आपके ऊपर आपकी इच्छा है आप उसको ठीक करिए आपकी इच्छा है आप एक मिनट में अठारह क्या आप कुत्ते की तरह एक मिनट में चालीस सांस लो मुझे क्या परंतु प्यारे जिंदा रहोगे तो संसार देखोगे जिंदा रहोगे तो चढ़ता सूर्य देखोगे बारिश में नहाओगे सर्दी का मज़ा लोगे गर्मी का आनंद लोगे अपने जैसे भाई बहन और अपने मित्रों यारों के साथ जियोगे कुछ सीखोगे कुछ ज्ञान साधना कुछ ध्यान करोगे जीवन में कुछ खोज करोगे अब ये अच्छा है कि बेवकूफ़ों की तरह बेहोशी में अपने जीवन का सत्यानाश खुद ही करते चला जाए आप समझे एक मैं स्थिति आपके सामने रखती हूं मदनलाल घर आया और उसका बेटा खेल रहा था खेलते खेलते उसने कहा पापा अपना फोन दो पापा ने अपना मोबाइल फोन दे दिया और मदनलाल ने कहा देख बेटे ध्यान से से इसके पहले कि वो कुछ और बोलता उसके हाथ से फोन गिरा गिरा तो यूं गिरा कि सौ टुकड़े हो गए नीचे सख्त चीज पड़ी थी और गिरा भी इतने जोर से फोन के हो गए टुकड़े मदन लाल का दिल भी हो गया टुकड़े टुकड़े उसने जूता उठाया और पीटना शुरू कर दिया अपने बेटे को क्रोध में फोन की कीमत होगी शायद आठ हजार जिंदगी की क्या कीमत बोलिए कीमती श्वासों की क्या कीमत है फोन तो आप नया खरीद लोगे लेकिन क्रोध करके जो शरीर में जहर उत्पन्न किया तेज श्वास ला ले, ले करके जो अपनी उम्र को कम किया अब इसकी समझ अगर आपको आ गई है तो फिर कम से कम आप तो इस बात का ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे जीना है तो जरूर रखोगे अब सोचिए आप बाहर जाओ और पता चले तुमने जहाँ कार खड़ी करी थी वहीं पर किसी ने दो चार मोटरसाइकिल आगे खड़े कर दिए हैं दो बात हो सकती है या तो तुम बेहोश हो के गुस्सा खाओ कौन बदतमीज़ बेवकूफ आदमी ने मोटरसाइकिल मेरी और गाली गलौच तुम्हारी चालू हो जाए और या यह भी हो सकता है क्योंकि ताजा ताज़ा सुन के आए हो आपको देखो कितना बढ़िया है हमें थोड़ी देर और ठंडी हवा खाने का वक्त मिल रहा है तो थोड़ा लंबा सांस लेने का प्रैक्टिस यहीं करने का अवसर मिल रहा है और जब वो बंदा वापस आए जिसका मोटरसाइकिल खड़ा है और आपको अरे भाई साहब आपने कितनी मेहरबानी करी जो मेरी कार के आगे मोटरसाइकिल लगाया हो सकता है ऐसा इज इट पॉसिबल और नॉट हाँ क्या ये मैं मुश्किल बात कह रही हूं जो करनी आपको बड़ी असंभव सी लग रही बोलो हा? देखिए एक बार हमारे साथ ये हुआ हम अमेरिका में थे न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में ड्राइव हो रही थी और सामने से गाड़ी लग गई ये अम, भारत की बात नहीं मैं सुना रही हूँ मैं अमेरिका की सुना रही हूँ जिसको सब लोग कहते हैं कि बिगड़े हुए पदार्थवादी भोगवादी वेस्टर्न वर्ल्ड वॉट एवर अब वहाँ पर ये जब हुआ तो उस सज्जन ने अपना शीशा तुरंत नीचे किया और हम हमारी गाड़ी जो चला रहे थे उनको उन्होंने जोर से ऐसा वेव किया और और कहा प्लीज़ 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 आई एम सॉरी 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 इट इज ऑल माई फॉल्ट वो बाहर निकला ये भी बाहर निकले तो मैंने ये देखा उसने एक कार्ड दिया और उन्होंने हाथ मिलाया और वापस आए गाड़ी पीछे करी और निकल लिए मैंने पूछा मैंने कहा ये हुआ क्या है कहते कुछ नहीं उसने अपने इंश्योरेंस का नंबर दिया है और उसने कहा एक फ़ोन मैं कर दूंगा एक फोन आप कर दीजिएगा आपकी हेडलाइट टूटी है पैसे इंश्योरेंस कंपनी ने भाई तुम इंश्योरेंस काहे वास्ते करा रहे हो गाड़ी लग गई है रोने दो इंश्योरेंस कंपनी को तुम क्यों रो रहे हो तुम काहे रो रहे हो इंश्योरेंस कंपनी काहे वास्ते है समय कीमती है उसका भी और मेरा भी तो उन्होंने कहा उसने अपना इंश्योरेंस का नंबर दिया है और सॉरी भी बोला और कहा कि आप फोन कर दीजिए मैं भी एक फ़ोन कर दूंगा मेरे एजेंट को और आपका जो भी खर्चा होगा वो पूरा आपको मिल जाएगा और आप जान के हैरान होंगे बाद में मुझे उन्होंने बताया कि कोई दो तीन हफ्ते बाद फिर उस सज्जन का फोन आया जिनका ये आपस में भिड़न तो हुई थी और उसने कहा कि चलो आओ कहीं इकट्ठे बैठ के काफी पीते हैं आप मुझे बड़े अच्छे लगे और वो आपस में आज दोस्त है अब हम यही प्रस्तुति थोड़ी सी पुणे में लाते है, है? एक <laughs> कार वाले की दूसरे कार वाले से भिड़ंत हुई अब क्या होगा अब मुझे कहने की जरूरत नहीं आप समझते हैं। पर मैं चाहती हूं कम से कम जितने महानुभाव और देवियां यहाँ पर बैठी है वो इस बात को याद रखें। और सबसे पहले तो इंश्योरेंस करा ले हम इंश्योरेंस एजेंट नहीं है पर एक अच्छी बात होती है इंश्योरेंस करा लेना वो रखिए और अगर ऐसी कुछ स्थिति कभी आ जाए डोंट लूज योर टेम्पर बिकॉज वेन यू लूज टेम्पर यू लूज योर ओन लाइफ स्पैन एंड इट इज नो नो वाइज थिंग टू डू कुछ हो जाए कुछ हो जाए अरे थोड़ी हिम्मत रख थोड़ा दिल बड़ा रख चित्त को उत्तेजित मत होने दो और मैं फिर कहूं ये जो कार एक्सीडेंट की मैंने बात करी है एक सिचुएशन है दूसरी कुछ और हो सकती है मैं मदन लाल की फिर बात सुनाती हूँ मदन लाल गया घर बड़ा भूखा था थका था घर पहुंचते ही सोचता है चाय पीऊंगा फिर वो रोटी खाऊंगा फिर मुझे ऐसे टीवी बैठ करके देखूंगा खबरें सुनूंगा पर जब घर गया तो पत्नी सिर में पट्टी बांध के बैठी थी सिर दुख रहा है खाना नहीं बनाया चाय तो क्या पूछेगी अब वो वो बेचारा डर गया वो कहता है अच्छा चल तेरे लिए अब दो बात हो सकती या तो वो गाली निकाले बीबी को ड्रामा करती है ये है वो है सब बोले उसको या तो लड़ाई करे और यह स्थिति यह हो सकती है कि चलो श्रीमती जी आज आपका सिर दुख रहा है मैं भी थका हुआ हूं तो कोई बात नहीं है हम दोनों चाय खुद बनाते हैं मैं बनाता हूँ साथ में बैठ के पीते मीठी मीठी बात करते आंखों में आंखें डालो हाथ पकड़ो आफ्टर ऑल पति पत्नी हो क्या है और सिर्फ एक दिन खाना नहीं खाने से कुछ तकलीफ तो नहीं हो जाएगी प्रॉब्लम सामने हो तो उसका सलूशन कुछ इस तरह से निकालिए कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका जीवन है और जीवन में दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण चीजें आपका रिश्ता होना चाहिए हम रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं चीजों के खातिर हम रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं अपने आराम की खातिर और हम अपने शरीर को बिगाड़ लेते हैं अपने बिगड़े हुए मन के कारण अब इसमें तो कोई समझदारी नहीं दो बात का मैं फिर से ब्रीफ अप दे दूं आपको समरी दे रही हूं एक हर स्थिति में चित्त को शांत तुम तभी रख सकोगे जब आप बार बार स्वयं को यह बात याद कराएं कि जीवन कीमती है जीवन कीमती है और क्रोध करने पर मेरा नुकसान ज्यादा है दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता दूसरी बात समय पर आहार खाना और दिन में पानी पीना लेकिन शाम के बाद ज़्यादा पानी ना पीना तो ये आपकी नींद को सुरक्षित करेगी और तीसरी प्रैक्टिकल टिप जो आज अभी देना चाहती हूँ आप सबको वह यह है कि आप सोने से पूर्व वैसे तो खाना खाने से पहले हाथ मुंह धो लेना चाहिए अच्छा होता है रात सोने से पहले मंजन कर करके जब आप अपने बिस्तर पर लेटे तो जल्दबाजी कर रहे हैं अभी वापस दो मिनट वापस बैठ जाए और जब लाइट ऑफ करके बैठ करके थोड़े देर के लिए आप प्राणायाम करें प्राणायाम का सर्व सरल उपाय हस्तमुद्रा बना सके तो बहुत अच्छी बात नहीं बना सके तो मात्र अंगूठे से दाई नास को बंद किया बाएं से श्वास धीरे धीरे लिया बाया बंद किया दाएं से श्वास बाहर छोड़ा फिर दाएं से लंबा श्वास लिया दाया बंद किया बाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ा ये नारी शोधन प्राणायाम का एक प्रकार है इसके आप गिन के 20 से 30 साइकिल कर लीजिए मैंने बाएं से लिया दाएं से छोड़ा दाएं से लिया बाएं से छोड़ा ये हुआ एक इसी तरह के आप पंद्रह या बीस चक्र साइकल्स कर लीजिए और इनको करने के उपरांत फिर लेटिए और आप देखिएगा आपकी नींद कैसी बढ़िया और शांतमयी होगी और स्वप्न भी कुछ कम होंगे नारी शोधन प्रायाम अगर रात्रि सोने से पहले आप करते हैं और अगर आपकी पत्नी या आपके पति आपके साथ सहमत है और आपके सहयोगी है तो मेरा एक दूसरा सुझाव है कि प्राणायाम करने से पूर्व अगर कुछ देर आप ओम का उद्गीत मैंने लंबे श्वास लेकर ओम का उच्चारण करते हैं जैसा हमने सत्संग शुरू करते समय पर किया आपने भी मेरे साथ किया है लंबा श्वास द्वारा ओम का उच्चारण किया और फिर उसके बाद आप नारी शोधन प्राणायाम कीजिए और परमेश्वर को नमस्कार करके कि प्रभु अब निद्रा देवी की गोद में मेरा चित्त जावे और सुबह उठूँ तो उठ करके योगासन और प्राणायाम से दिन की नई शुरुआत कर सकूँ एक ऐसी भावना के साथ प्रणाम करके और फिर आप सो जाइए ये जो आज आपको हम उपाय बता रहे हैं मेरा निवेदन है आज ही इसका प्रैक्टिकल कर लीजिएगा ताकि कल हम इस विषय पर कुछ और रोशनी डाल सकें और अगर आपकी कोई समस्या होगी तो हम उस पर और गहरी चर्चा कर सकें देखिए हम व्यास मंच पर बैठे हैं सो व्यास मंच का आ, मान लेकर के ये बात कहते हैं कि अगर आप ये मेरी बताई हुई इस सर, सर बहुत साधारण विधि का उपयोग रोज करें माने समय पर खाना दिन में आठ से दस गिलास पानी पीना और हर स्थिति में यह याद रखना कि क्रोध से मेरा नाश होगा शरीर मेरा रोगी होगा तो अपने फ्यूज़ को उड़ने नहीं देना चाहे कुछ हो जाए और रात्रि को नारी शोधन और सुबह भी जब उठे तो स्नान करने के बाद नारी शोधन कर करते रहते हैं आप तो ये आपके नींद की प्रॉब्लम को ठीक कर देगा और आप जितना बढ़िया रात को सोएंगे अगले दिन सुबह चहकती हुई चिड़ियों की तरह मुस्कुराते हुए बड़ा ऊर्जामयी आनंदमयी महसूस करेंगे शरीर भी हल्का होगा और ब्लड प्रेशर और एसिडिटी की जो दिक्कत बढ़ती है नींद ना आने से वो समस्या भी दूर होती है सो तो अपनी नींद का बहुत ध्यान रखिए नींद बड़ी कीमती चीज़ है और नींद में ख़ास करके सेराटोनिन और मेलाटोनिन नाम के दो केमिकल्स हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है हमारा शरीर अपने आप बनाता है और इन दो सेराटोनिन और मेलाटोनिन के श्रावित होने से हमारे शरीर को स्वस्थ लाभ होता है मन अच्छा रहता है और इमोशनल बैलेंसिंग रहती है हमारी भावनात्मक संतुलन वो भी बने रहते हैं विश्वास करिए अनुभूत प्रयोग जो आपको दे रहे हैं इससे आपका निश्चय ही बड़ा लाभ होगा और कल्याण होगा इतना ही कह करके मैं वाणी को विश्राम देती हूँ आपने इतने प्रेम से सुना और अपने सुंदर सुंदर मुखड़े का दर्शन कराने आप खुद चल चल के यहाँ तक आए हो हम धन्य भागी हुए आपका दर्शन करके क्योंकि हम तो यहाँ बैठ ही सकते हैं और आपकी ही कृपा है जो आप चल के यहाँ तक आए और इतने प्रेम से सुना मेरा आप सबको नमन कल ठीक समय पर पुनः सत्संग प्रारंभ होगा और आपके सेवा में हम जो कर सकते हैं वो अवश्य करेंगे ओ सर्वे बवंतु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखबाग् भवेत् हरियो हरि हरियो हरि